भारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे आप सब? मैं हूं जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है इस्मान कुरैशी, वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो बड़े मजे की होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो पे हम लोग करेंगे रिएक्शन। इंडिया की सिटी है यार भागलपुर। तो भागलपुर क्या है, मेरा लैपटॉप ही ऑफ हो गया है सूची में। अच्छा, भागलपुर, हाँ भागलपुर सिटी है और सिटी ऑफ बिहार है, मतलब बिहार स्टेट है वहाँ की सिटी है। तो यार मैंने भागलपुर के बारे में कभी नहीं सुना था। सिटी ऑफ बिहार, हाँ, तो मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इस वीडियो पर। तो जो लोग न्यू है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर दिया करो, पूछे बिना सुने बिना पहले सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो, ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। पहले सिटी क्या कह रही है, आज हम जानेंगे बिहार राज्य के खूबसूरत शहर भागलपुर के बारे में। भागलपुर है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे भागलपुर शहर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए फिर चलते हैं भागलपुर के एक शानदार सफर में। यार सिटी तो बहुत प्यारा है यार। भागलपुर, जिसे द सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये शहर बिहार राज्य का एक काफ़ी अनोखा शहर है, जो पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहलाता है। भागलपुर जिला अपने कई तरह के ऐतिहासिक स्थलों और यहाँ के खान पान के लिए जाना जाता है, तथा पुराणों और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपा नगर को महान राजा कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। वहीं भागलपुर जिला बिहार के मुंगेर, खगड़िया, माधेपुर, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिले से घिरा है। भागलपुर जिला में कुल 3 अनुमंडल हैं, भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया। इसके अलावा भागलपुर शहर जनसंख्या के हिसाब से बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे भागलपुर डिवीजन का मुख्यालय भी है। यदि हम 2011 सेंसस की माने तो इस शहर की कुल जनसंख्या 4,10,000 निवासियों की है, जिसमें कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 14,000 लोग रहते हैं। भागलपुर शहर वर्तमान समय में पॉलिटिकल, कॉमर्शियल और एजुकेशनल क्षेत्र में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं इस शहर को भारत में बनने वाले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी चुना गया है, जिसके अंतर्गत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की योजना है। भागलपुर जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है, जिस वजह से यहाँ के मैदानी इलाके बहुत ही उपजाऊ हैं, तथा यहाँ के मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और तिलहन शामिल हैं। वहीं यहाँ बहने वाली गंगा नदी भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन का घर है, जहाँ पर मीठे पानी की डॉल्फिन मछली पाई जाती है। भागलपुर जिले में बोले जाने वाली भाषाएं और यहाँ का खान पान, तो भागलपुर जिले की जो मुख्य और आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, तथा इसके अतिरिक्त यहाँ पर अंगिका, मैथिली और उर्दू भाषा का भी चलन है। वहीं अगर बात की जाए भागलपुर जिले के खान पान की, तो यह जिला खान पान के मामले में बिहार के बाकी जिलों से काफी अनोखा है। भागलपुर शहर के स्ट्रीट फूड में कचौड़ी, सब्जी, लिट्टी चोखा, जलेबी, समोसा और यहाँ का चाट फुचका प्रमुख है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं भागलपुर में घूमने फिरने योग्य कुछ बेहतरीन स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर आप रविंद्र भवन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मंदार हिल, जयप्रकाश उद्यान, भागलपुर म्यूजियम, महर्षि माही मंदिर और यहाँ के दास ड्रिफ्टवुड पार्क और संग्रहालय जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। पे
स्पेशली जाना पड़ेगा यार, मैं तो भागलपुर ठीक है, मैं तो भागलपुर का यार बड़ा फैन हूँ वो, और सिटी को मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है, और स्पेशली यार मुझे तो बड़ा मजा, बहुत मजा है, और यहाँ के जो खान पान थे बड़े औसम थे, वहाँ के चिकन कचोरियाँ थी और चिकन के टिक्के थे, लिट्टी चौकन का फेवरेट आ गया यार, खाना पड़ेगा हाँ घर पे बना लेते हैं ठीक है। उधर कचौड़ी और वो फूल, सॉरी फूल कह रहा हूँ, वो पूड़ियाँ वगैरह, बड़े किस्म का एक 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 जबरदस्त किस्म का खाना था और बड़ा एनर्जेटिक खाना था। घूमने फिरने की उधर की जो भागलपुर का म्यूजियम था वो बड़ा फेमस था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज वगैरह बहुत फेमस हैं, जो लोग टूरिज्म वगैरह जाते रहते हैं। और भागलपुर में यार थ्री स्टेशन मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ के थ्री स्टेशन है, मतलब इतना बड़ा सिटी है, कह रहे हैं कि पटना के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो भागलपुर का आता है, बिहार स्टेट के अंदर अंदर। तो यार इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वाकई यार बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मुल्क है, और वहाँ के स्टेट्स इतने बड़े बड़े और वहाँ की सिटीज इतनी बड़ी बड़ी है, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत कम है यार, 4 से 5 लाख के आसपास ही है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, और 12,000 किलोमीटर के अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। तो उर्दू देखिए बोली जाती है, वहाँ की उर्दू बोली जाती है, बड़ी अच्छी बात है यार, वहाँ पे उर्दू भी बोली जाती है, जैसे हम बोले, जैसे हम बोल रहे हैं, शुक्र है हमारी बात समझ आएगी, लेकिन उर्दू और हिंदी सेम है, सिर्फ और सिर्फ पता क्या इशू क्या होता है, हिंदी उर्दू में मराठी में सिर्फ लिखने का फर्क, मराठी तो बिल्कुल ही अलग जबान है ठीक है, भोजपुरी अलग जबान है, तमिलनाडु अलग जबान है, तो ये तो लिखने में हिंदी डिफिकल्ट है, लेकिन बोलने में ऐसे ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड है उर्दू में भी, बहुत से कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है जो हमें समझ नहीं आते हैं, और हिंदी में भी बोले था लुत्फ, हाँ इसने बोला था, वो मुझे नहीं समझ आता कि इसने कौन सी डिक्शनरी से उठा के लफ्ज बोला, एंजॉय करना आई होप आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा लुत्फ एंजॉय किया, लुत्फ अंदोज किया होगा। सो व्यूअर्स आप लोगों को भी बड़ा मजा आया होगा, इस वीडियो में एंजॉय किया होगा, और अगर कमेंट सेक्शन खाली है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते दिल खोल कर दे, और ये भी बता दे कि आप लोगों को ये सिटी कैसा लगा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम लोगों को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।